अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। आज की इस खबर को बहुत ही संजीदगी से लेना जरूरी है, क्योंकि यह हम सभी की जिंदगी से जुड़ी बात। आज अमेरिका में कई सारी हवाई उड़ानों की जहाजों को रद्द किया गया, क्योंकि 5G के चलते भारत और अमेरिका समेत कई मुल्कों के हवाई जहाजों को रोका गया। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक 5G की तकनीक रेडिएशन नेविगेशन सिस्टम में दखल अंदाजी कर रही। अमेरिका में बरोज बुध से 5G सर्विस को शुरू किया गया था, लेकिन इसके नुकसान के मद्देनजर फिलहाल हवाई जहाजों को रोका गया। आज इसी 5G के चलते न्यूयॉर्क से दिल्ली उड़ान को भी रद्द कर दिया गया। अमेरिका की 10 सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने 5G मोबाइल फोन खिदमात को शुरू करने को लेकर इशारा दिया था। इनका कहना है कि इससे हवाई जहाज की परवाज में खतरनाक रुकावट पैदा हो सकती है। वेरिजॉन AT&T की 5G मोबाइल सर्विसेज शुरू हो चुकी है, जिसे अमेरिका की जो बाइडन हुकूमत ने इजाजत दे दी है, पर अब 5G को देरी से लागू करने पर भी इत्तफाक होने की बात कही जा रही है। तकरीबन 40 से ज्यादा मुल्कों में 5G सर्विस लागू होने जा रही है। अब आइए देखते हैं आखिर क्या है 5G मामला, और इस पर अक्सर वक्तन फवक्तन तस्करे क्यों किए जा रहे हैं। यह अलग बात है कि इसके नुकसानात और इंसानी जानों की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है या पड़ सकती है, इसे नजरअंदाज कर मौजूदा दौर में कितना हम इंसानी जिस्मों पर अपना कब्जा रख सकते हैं, इसका एक तरह का मुकाबला दुनिया के ताकतवर लोगों में लगा हुआ है। भले ही कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, पिछले कर्जे से जब से मोबाइल का फितना कहिए या फिर इसे इनकलाबी ईजाद कहिए, 10 साल के अरसे से अपडेट होता रहता है। मोबाइल ने क्या क्या नहीं किया, इंसान को इंसान से जोड़ने का दावा तो सभी करते हैं, पर कहीं तो इसी मोबाइल ने इंसानियत, मोहब्बत, अखुवत, भाईचारे को ही खत्म कर दिया है। अल्लाह ताला ने इंसान में जज्बात रखे हैं, एक दूसरे के दर्द को समझने की, दर्द को महसूस करने की फितरत को पैवस्त की है। तभी तो इंसान कभी हंसता है, कभी रोता है। खौफ खुदा से आंखें नम हो जाती हैं, जन्नत का तस्करा, जहन्नम का डर, कब्र की मंजिल वगैरह। फिर इसके बाद तमाम आखिरत की निशानियां भी बताई गई। कहते हैं कि कभी पुरानी फिल्मों में अगर बिना वायर के कोई फोन लेकर बात करते हुए कोई सीन दिखाया जाता तो पूरे थिएटर में लोग बतौर कॉमेडी सीन इसे मजा लिया करते थे, लेकिन 1980 के बाद इसी मोबाइल ने दुनिया वालों का हाथ थाम लिया और यहीं से कयामत की शुरुआत कह सकते हैं। लेकिन आज का मौजू कुछ और है। 1980 में मोबाइल आया जिसे 1G कहा गया, जिसमें महज छोटे फोन के जरिए एक दूसरे से बात करने तक महदूद रहता था। 1990 के बाद 2G आया, जिसमें मैसेजेस भेजने और फोन करने में और आसानी हुई। 1998 में 3G आया, जिसमें स्मार्टफोन और डिजिटल ब्रॉडबैंड के जरिए आसान इस्तेमाल करने के बारे में था। 4G ने तमाम नेटवर्क के लिए तेज स्पीड दी। पहले एक आध वीडियो देखना होता तो रुक रुक कर बफरिंग से निजात दिला दी गई, और अब है सबसे तेज, या यूं कहिए कि सबसे खतरनाक 5G। 5G से मुराद पांचवा जनरेशन, 5th जनरेशन, पांचवी नस्ल भी कहा जाए तो गलत ना होगा। अब इसी के इर्द गिर्द दुनिया घूमती नजर आ रही है। 5G में अब इंसान के काम भी मशीन करने लगेंगे, यहाँ तक कि बड़ी कंपनियों में अगर किसी को इंटरव्यू भी देना है तो वो मशीन करेगी। आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है फ्रिज फैसला करेगा, कितने देर तक सब्जी को इसमें रखना है, कौन सी सब्जी नुकसानदेह है, घर की लाइट बिल कितनी आएगी, इसे किस तरह से कटौती की जाएगी वगैरह। सड़क पर चलने वाली गाड़ी भी 5G रहेगी, यानी कि 5G से सेंसर रहेगा, तो आपसे पहले सिग्नल को गाड़ी देख पाएगी। अगर इसे दुनिया से अलग दुनिया भी कहा जाए तो गलत ना होगा। 5G इंसान को अलग दुनिया में ले जाने की तरह है। अगर इसे दज्जाली निजाम का बड़ा हिस्सा समझ लिया जाए तो भी गलत ना होगा। अब इस पर मुख्तलिफ राय हो सकती है, मेरी अपनी राय है, क्योंकि कुछ लोग तरक्की को दज्जाली निजाम क्यों कहते हो भी कहने वाले हैं। खैर, 5G नेटवर्क में मशीन एक दूसरे से बातें करेंगी, एक तरह से अलग दुनिया का एहसास होगा। इंसान 24 घंटे सेंसर के रेडिएशन से होकर गुजरता होगा। अब इसके लिए एक तरह से सेंसर लगाने होंगे चारों तरफ, आपके इर्द गिर्द लाखों सेंसर होंगे, और यही मामला इंसानी जिस्मों को नुकसानदेह होने की बात कही जा रही है। भारत, पाकिस्तान या एशिया मुल्कों जहां पर काफी बड़ी तादाद में भीड़ भाड़ वाली बस्तियां हैं, इसका ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसके रेडिएशन बहुत ही तेज होंगे, जिससे इंसानी जिस्मों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कईयों ने तो इसे आलमी साजिश का हिस्सा भी माना है, जिसमें वैक्सीन से लेकर कोरोना तक का जिक्र होने की भी बात कही जा रही है। दुनिया के अमीर तरीन लोगों के पास आपकी तमाम जानकारियां भी मौजूद होंगी, लेकिन WHO ने इसे अफवाह कहा है। फिल्म अदाकार जूही चावला ने 5G नेटवर्क पर अदालत में अर्जदार दाखिल की थी, लेकिन मजबूरन इसे अर्जी वापस लेने पर मजबूर ही नहीं किया, बल्कि 20 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। कोरोना के दौर में दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज भी किए गए, इसके पीछे साजिश होने की भी बात कही गई। बिल गेट्स और दुनिया के अमीर तरीन खानदान, जिसके पीछे यहूदियों के होने की भी बात बारहा कहते देखा गया। आखिरी दौर की हदीसें और पेशिन गोइयां हुबहू सच साबित होती जा रही है। तरक्की याफ्ता दुनिया
फौजी का वसी दायरा इंसान को कहीं तो माल के हकीके से भी दूर करता दिखाई देता है। हमने कल भी मर्ज कोरोना से जो मुतासिर हुए इनके बारे में बताया था कि कैसे कोई शख्स इस बीमारी से निकलता है तो मजीद बीमार महसूस होता जा रहा है, कोई चुस्ती फुर्ती नहीं। 40% के करीब लोगों को दिल का दौरा होने के भी इम्कान बताए जा रहे हैं। आखिर क्या बात है कि तमाम तरकियातों के बावजूद लोगों में जिस्मानी और ईमानी पस्ती की वजह क्या हो सकती है? कभी आप 25 साल पहले के दौर को याद करो या इससे भी पुराना दौर याद करो, गरीबी थी, घरों में एक ही साबुन इस्तेमाल किया जाता था, एक ही टॉवेल हर घर में इस्तेमाल किया जाता था, फिर बीमारियां क्यों नहीं होती थी? अब जब हर कोई बिस्लरी या मिनरल वाटर पानी पीते हुए देखते हैं, पहले घरों के सामने कुएं हुआ करते थे, वही पानी पीना नहाना वगैरह हुआ करता था, फिर इंसान को तरक्की किस राह पर ले जा रही है? फ्रिज आया, बासी खाने के आदि होने लगे, 4 दिन की सब्जी ताजी लगने लगी, फिल्म गानों का दौर भी रहा, रमजान महीने में लोग रोजे नमाज के बाद ईद के दिन फिल्में देखने का दौर भी रहा, फिर अमीरी आई, लोग पिकनिक जाने लगे, कारें बंगले अपार्टमेंट का दौर भी शुरू हुआ, मोबाइल ने तो हर फर्द को अलग अलग कर दिया, और अब 5G में इंसान मशीन बनने जा रहा है। बच्चे जहनी तौर पर जदीद तो नजर आ रहे हैं लेकिन असल जिंदगी से कहीं दूर जा रहे हैं। अपने रब से दूरियां इख्तियार करता मासूम बच्चा भी मोबाइल का आदि होता जा रहा है। 5G रेडिएशन इंसान की जिंदगी की रफ्तार तो तेज कर सकता है लेकिन आखिरत से उतना खौफ ज़दा न रहेगा, भले ही वो नवाजी नजर आएगा। लिहाजा 5G रेडिएशन से इंसान के दिमाग मुतासिर होने की बात भी सामने आ रही है। कभी कभी कोई बाबा अपने कब्जे में लिया जिन भी तकलीफ देता उसी तरह से 5G रेडिएशन से हवाई जहाजों की उड़ानों में खतरनाक रुकावट आने की बात कही जा रही है। 5G की रफ्तार के बाद इंसान इंसान नजर नहीं आएगा। जिंदगी की तेज रफ्तार में रिश्तेदारी भाईचारगी अखुवत इंसानियत आखरत का तसव्वुर ही सब कुछ धुंधला होता जाएगा। लिहाजा 5G के जरिए एक तस्करा जिसका एहसास हम सबको होना चाहिए क्योंकि 5G की स्पीड से उसी स्पीड से कयामत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दुनिया भले ही कितनी तरक्की कर ले लेकिन अल्लाह के बागी होने से हमें बचना चाहिए। यही आज का पैगाम। बेलगाम जिला और दिगर रियासत के अजला में क्या इस हफ्ते वीकेंड लॉकडाउन रहेगा या नहीं, ऐसा फैसला तो कल होगा, ऐसा सेहत महकमा की जानिब से कहा गया। लिहाजा आज कोरोना ने जबरदस्त आंकड़ा पार करते हुए 47,000 से भी ज्यादा पॉजिटिव मरीज रियासत में दर्ज किए गए। वैसे ओमिक्रॉन काफी माइल्ड वायरस होने की बात कही जा रही है पर 30 के करीब लोगों की मौत होने की भी इत्तला हासिल हुई है। बेलगाम जिला में आज 442 पॉजिटिव मरीज पाए जाने की इत्तला हासिल हुई है। कल दोपहर 2 बजे रियासत हुकूमत वीकेंड लॉकडाउन पर फैसला सुनाएगी। लिहाजा किसी तरह लॉकडाउन के खिलाफ आवाम ने एतराज दर्ज किए हैं क्योंकि गरीब मजदूर छोटे ताजिरों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, ऐसा आवाम का कहना है। कोरोना गाइडलाइन के खिलाफ वर्जी पर एमएलए अनिल बेंके के साथ 27 अपराधों पर मुकदमा दर्ज किया गया। वाजा रहे कि मकर संक्रांति के वक्त चवाड़ गली में हर साल मवेशियों को भगाने के मुकाबले का एहतमाम किया जाता है। बोगारवेस में संभाजी महाराज का जलाभिषेक और मवेशियों का मुकाबला दोनों जगह पर एमएलए अनिल बेंके की मौजूदगी में कोरोना गाइडलाइन के खिलाफ वर्जी की गई। कोरोना के मद्देनजर इस पर पाबंदी थी, इसके बावजूद भी एमएलए की मौजूदगी में तमाम इजलासों को मुकम्मल किया गया और भीड़ इकट्ठा कर भैंसों को भगाने के मुकाबले का भी एहतमाम किया गया जिस पर जिला इंतजामिया की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया। पिछले हफ्ते शंखेश्वर में शैलजा सूबेदार नामी खातून की बंदूक की गोली से मारकर कत्ल किया गया था जिसकी तहकीक अब मुकम्मल हो चुकी है। इत्तला के मुताबिक भाजपा का कारपोरेटर उमेश कांबड़े होने की बात सामने आई। कत्ल होने के महज 3 ही दिन में पुलिस ने मुजरिम तक पहुंचकर इसे गिरफ्तार किया। इसके लिए पुलिस इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की जा रही। पिस्तौल को पुलिस ने बरामद किया है। पैसों के मामले के चलते कत्ल को भाजपा मेंबर ने अंजाम देने की बात सामने आई। पिछले महीने संगोली रायन्ना मूर्ति की तौहीन के साथ पथराव के जुर्म में कुल 61 अफराधों को गिरफ्तार किया गया था जिसमें 124A भी लगा दी गई थी। लिहाजा आज सभी अफराधों को सशर्त जमानत भी मंजूर की गई। पिछले कुछ महीनों से बेलगाम और अतराफ में कन्नड़ मराठी तनाजा देखा जा रहा था। बेंगलोर में शिवाजी महाराज की मूर्ति की तौहीन के बाद बेलगाम में मराठी अवाम ने एहतजाज किया जिस पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई थी। उसी दौरान पथराव के साथ संगोली रायन्ना मूर्ति की तौहीन भी की गई थी जिसके बाद गिरफ्तारियां अमल में आई। MES का ही शुभम शेड़के के साथ दिगर अपराधों को गिरफ्तार कर तकरीबन 1 महीना तक कैद में रखा गया था। लिहाजा आज सभी की रिहाई अमल में आई। रियासती वजीर रमेश कत्ती कुछ न कुछ बयान के जरिए सुर्खियां बटोरते रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कर्नाटक के ही 2 हिस्से होने की बात कही थी। लिहाजा आज बेलगाम जिले के 2 नहीं बल्कि 3 टुकड़े जरूरी है ऐसा बयान दिया। इनका कहना है कि बेलगाम जिले से कई गांव हैं जो 250 से 150 किलोमीटर दूर है। लिहाजा चिक्कोड़ी अथनी और बेलगाम ऐसा 3 टुकड़ों में बेलगाम जिले की तकसीम जरूरी है जिससे तरक्कियाती कामों को रफ्तार मिल सकती है, ऐसा इनका कहना है।
बेलगाम की सियासत रियासत की तस्वीर बदलने के लिए काफ़ी होती है, ऐसा बारहा कहा जाता है और अक्सर मरतबा देखा भी गया। खासकर जारकीहोली और हब्बाड़कर मुकाबला काफ़ी पुराना है और जब भी कई मौका मिलता है दोनों भी एक दूसरे पर तंज करने से नहीं चूकते। पिछली मरतबा रमेश जारकीहोली ने थू इसका नाम क्यों लिया ऐसा कहा था, आज नाम न लेते हुए लक्ष्मी हब्बाड़कर ने कभी कभी जिंदगी में शैतानों से भी वास्ता पड़ जाता है कहते हुए निशाना साधने की कोशिश की। सूरज और चांद को भी ग्रहण लगता है, ऐसा भी माविनकट्टी में सड़क कामों को अंजाम देने के मौके पर लक्ष्मी हब्बाड़कर ने साफियों से कहा। लिहाजा एक बार फिर जारकीहोली बमुकाबिल हब्बाड़कर का तस्करा जारी है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अदा ऐन निम्गेलू भाषे को माविनकट्टी ऊरिन मगळागि ना ಅದೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿತೈತ್ರಿ ಕಕ್ಕ, ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿತೈತ್ರಿ, ಹಿಡಿತೈತವಲ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಯಾಕೆ ಹಿಡಿತಪ್ಲ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರ ಜೀವನದಾಗ, ರಾಕ್ಷಸರು ಬಂದ್ ಬಂದ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರ, ಆದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯನ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಆಕ್ಕವು, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಕ್ಕವು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರಿ, ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅದನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಉಪಯೋಗ ತಗೊಂಡು ಇಂಥ ನಾಲ್ಕು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.